Hi everyone, I welcome you back and I'm again back with a vlog. आज हम बीच जाने वाले हैं, एक नए बीच को जाने वाले हैं जहाँ मैं भी नहीं गई हूँ. आज मैं फर्स्ट टाइम जा रही हूँ, तो मैं आपको दिखा दूंगी वो बीच कैसा दिखता है. और वहाँ पे ना मैंने सुना है कि टर्टल्स भी मिलते हैं. एंड और एक बहुत अच्छी बात, आज बहुत बहुत अच्छा खबर मिला आज हमें. लाइक आज ना हमें अयोध्या के जो राम मंदिर है वहाँ से इन्विटेशन मिला है. सो आई एम फीलिंग रियली हैप्पी टुडे. सो आज बहुत अच्छा लग रहा है. एंड इसी बात के साथ वीडियो एंड ब्लॉग दोनों को स्टार्ट करते हैं. सो बिफोर दैट प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लेट्स बिगिन. सो अभी हम निकल चुके हैं पुरी के लिए. लाइक हम वो जो बेलेश्वर महादेव मंदिर जाने वाले थे तो वहाँ पर हम अभी निकल चुके हैं. तो उसके लिए ना हमें पुरी भी जाना पड़ता है. सो इधर आप देख सकते हो रास्ता कितना सुंदर है एंड वहाँ का मंदिर का एम्बियंस भी बड़ा अच्छा था. एंड यहाँ पे नदी था, लाइक बहुत कुछ था. फिर खाना भी खाया हमने, थोड़ा सा कार में स्नैकिंग की. फिर हम पूरी ऑलमोस्ट पहुंच गए थे. एंड ये है कोणार्क मराइन ड्राइव का रोड. यहाँ से हम मेलेश्वर मंदिर पहुंच जाते हैं सीधा. एंड आप अगर कभी बेलेश्वर मंदिर नहीं गए हो तो जस्ट आप जाना, बहुत अच्छा लगता है वहाँ जाके. बहुत पीसफुल एनवायरनमेंट है और वहाँ पर एक प्राइवेट बीच भी जुड़ा हुआ है जो कि बहुत पीसफुल है और ज़्यादा भीड़ भी नहीं होता है. ये है बेलेश्वर महादेव का मंदिर एंड ये वाला बेलेश्वर बीच है जो प्राइवेट बीच की बात कर रही थी मैं, वही बीच है. देख सकते हो कितना सुंदर है. यस्टरडे थोड़ा भीड़ था बिकॉज कल मकर संक्रांति था, तो इसीलिए लाइक इधर लोग आए हुए हैं आज. एंड आप देख सकते हो यहाँ कितना सुंदर सुंदर व्यू आ रहा है. मैंने बहुत सारे शॉट्स लिए हैं इस बीच के. एंड टर्टल्स, लाइक मैं आपको बोली थी इस बीच में टर्टल्स भी मिलते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली कल भीड़ इतनी थी कि इनसिक्योर, मतलब आपको पता होगा टर्टल्स लोगों को क्राउड से बहुत डर लगता है. गाइस तो इसीलिए वो कहीं छुप गए होंगे. पर इतना सलाइन भी नहीं लग रहा था, लाइक बहुत ठंडा पानी था. फिर उसके बाद हम घर आके रेस्ट वेस्ट करके पूरी मंदिर चले गए, आप देख सकते हो. एंड आज तो लाइक यस्टरडे कतई बहुत भीड़ थी. एंड हम फ़ोन लेके गए थे बट फ़ोन उधर डिपॉजिट करना पड़ा. एंड बहुत बढ़िया दर्शन मिला, पर बहुत ज़्यादा धक्का मुक्की खाकर बहुत अच्छा मिला दर्शन. एंड आई लव्ड इट सो मच. एंड आप देख सकते हो मंदिर कितना चेंज हो गया, लाइक पहले से बहुत चेंज हो गया है. ऐसा लाइक इसीलिए है क्योंकि 17 जनवरी को कुछ एक होने वाला है मंदिर में, आप देख सकते हो. सो यही मेरा व्लॉग का एंड था. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय.